नार्निया की कहानियां आखिरी युद्ध अध्याय एक। कॉल्ड्रन पूल के पास नार्निया के आखिरी दिनों में लैंटर्न वेस्ट के परे बड़े झरने के पास दूर पश्चिम में शिफ्र नाम का एक लंगूर रहता था। वह बहुत बूढ़ा था। कोई नहीं जानता कि वह उस जगह रहने कब आया था। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा बहुत भद्दा दिखता था, पर वह था बहुत ही चालाक। जंगल के एक बड़े से पेड़ में लकड़ी से बना और पत्तों से छता उसका छोटा सा घर था। जंगल के इस ओर हमारी तरह बोलने वाले जानवर, आदमी या बौने या किसी भी तरह के जीव कम थे, पर वहां पजल नाम का एक गधा रहता था जो शिफ्ट का मित्र भी था और पड़ोसी भी। कम से कम वे दोनों तो यही कहते थे, पर दोनों को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे पजल शिफ्ट का नौकर हो, मित्र नहीं। सब काम वही करता था। जब दोनों नदी पर जाते थे, शिफ्ट बड़ी बड़ी मुश्कों में पानी भरता था और पजल उनको वापस ढोता था। जब उन्हें दूर नदी के परे कस्बे से कुछ चाहिए होता था तो पजल ही खाली बैंगे अपनी पीठ पर लाद कर जाता था और इन्हें भरकर वापस लाता था। पजल जो भी अच्छी अच्छी चीजें लाता, शिफ्ट मजे ले लेकर खाता और कहता, पजल मैं तुम्हारी तरह घास फूस और झाड़ नहीं खा सकता, इसलिए मैं यह सब चीजें खाकर ही पेट भर लूंगा। पजल का जवाब सदा यही होता, हाँ हाँ शिफ्ट, कोई बात नहीं। पजल ने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि शिफ्ट उससे कहीं अधिक बुद्धिमान था और वह शिफ्ट की दोस्ती को एहसान मानता था। यदि पजल कभी किसी बात के लिए बहस करने की कोशिश भी करता तो शिफ्ट कहता, पजल मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि क्या करना है, तुम तो जानते हो कि तुम कितने बुद्धिमान नहीं हो। और पजल का जवाब सदा यही होता, हाँ शिफ्ट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। तब वह ठंडी आह भर के वही करता जो शिफ्ट उसे कहता। एक दिन सुबह वे दोनों कॉल्ड्रन पूल के किनारे सैर कर रहे थे। कॉल्ड्रन पूल नारिया के पश्चिमी छोर पर चोटी के नीचे था। एक बहुत बड़ा झरना शोर करता हुआ गड़गड़ाहट के साथ इसमें गिरता है। इसकी दूसरी ओर से नानिया नदी निकलती है। इस झरने के गिरने से ऐसा लगता है जैसे पूल का पानी खुश होकर नाचता हुआ मस्ती से गोल गोल घूम रहा हो, जैसे उबल रहा हो। बस इसलिए इसका नाम कॉल्ड्रन पूल पड़ गया। बसंत ऋतु के शुरू में नानिया के परे के जंगलों में पश्चिमी पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से जब झरना भर जाता है तो यह नजारा बेहद खूबसूरत होता है। बस इसी पूल के किनारे वे दोनों सैर कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कॉल्ड्रन पूल को देखा, शिफ्ट ने अचानक अपनी काली पतली उंगली से इशारा करके कहा, देखो वह क्या है। पजल बोला, क्या क्या है। वह पीली सी चीज जो अभी अभी झरने में गिरी, देखो वह वहां तैर रही है, आओ देखें क्या है। पजल ने पूछा, क्या हमें पता करना चाहिए। जरूर, शिफ्ट ने कहा, हो सकता है हमारे फायदे की हो। बस अब तुम अच्छे लड़के बनकर पूल में जाओ और उसे बाहर निकाल कर लाओ, फिर हम उससे अच्छी तरह देखेंगे। पूल में जाऊं? अपने लंबे कान खुजाते हुए पजल ने पूछा। शिफ्ट ने कहा, यदि जाओगे नहीं तो हम उसे पाएंगे कैसे। पर पजल बोला, यदि तुम जाओ तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं, तुम जानना चाहते हो कि वो क्या है और तुम्हारे हाथ भी हैं, और जब कोई चीज पकड़नी हो तो तुम एक आदमी या बौने की तरह पकड़ सकते हो, मेरे तो सिर्फ खुर हैं। शिफ्ट बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बात कहोगे। पजल, क्या ये तुम कह रहे हो, क्यों, मैंने क्या गलत कहा। पजल धीमी आवाज में बोला। उसे लगा कि शिफ्ट ने बुरा मान लिया। मेरा मतलब था, मुझे नदी में भेजना चाहते थे, शिफ्ट ने कहा। क्या तुम्हें पता नहीं कि बंदरों की छाती कमजोर होती है और उन्हें सलती जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, मैं जाता हूँ अंदर, इन बेरहम हवाओं में मुझे पहले ही ठंड लग रही है, पर मैं जरूर जाऊंगा पानी में, हो सकता है मैं मर जाऊं, फिर तुम पछताओगे। शिफ्ट की आवाज से लग रहा था कि जैसे वह रो देगा। प्लीज मत जाओ प्लीज, पजल ने कहा। मेरा यह मतलब नहीं था शिफ्ट, सच में तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, एक बार में केवल एक ही बात सोच सकता हूँ, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वादा करो तुम ऐसा नहीं करोगे और मुझे ही जाने दोगे शिफ्ट। तो शिफ्ट ने वादा किया और पजल पूल की चट्टानों के किनारे पर अपने खुरों से टक टक चलता हुआ पूल में घुसने की जगह ढूंढने लगा। ठंड की बात तो अलग है, उस तेज वे झाग बनाते पानी में घुसना कोई खेल नहीं था, और पजल एक मिनट तक तो किनारे पर खड़ा कांपता रहा। पर तभी शिफ्ट ने पीछे से पुकार कर कहा, पजल छोड़ो मैं ही जाता हूँ। यह सुनते ही पजल ने कहा, नहीं नहीं तुमने वादा किया था, मैं जाता हूँ, और उसने डुबकी लगा दी। उसके मुंह में पानी भर गया और उसकी आंखें धुंधली सी गई। फिर कुछ पल के लिए वो धार के नीचे चला गया और जब वापस ऊपर आया तो उसने खुद को पूल के दूसरे हिस्से में पाया।
तभी वो पानी के भंवर में घूमता हुआ तेजी से झरने की ओर बहने लगा और झरने के नीचे पहुंच गया। उसे लगा उसकी सांस रुक जाएगी, पर वह फिर ऊपर आ गया। ऊपर आकर जब उसने उस चीज के पास पहुंचकर उसे पकड़ना चाहा, तो वह उसकी पहुंच से दूर झरने के नीचे चली गई, फिर पानी के दबाव से पानी के एकदम नीचे चली गई। जब वापस ऊपर आई तो पजल से बहुत दूर जा चुकी थी। आखिर में जब वह थक कर चूर हो गया और जगह जगह से उसका तन खरोंचों से भर गया और ठंड से जम गया, तो वह उस चीज को दांतों से पकड़ने में सफल हो गया। क्योंकि वह बहुत बड़ी, भारी और ठंडी और चिकनी थी, वह अपने खुरों को उसके ऊपर जमाए था, उसे बाहर ले आया। उसने वो चीज शिफ्ट के सामने फेंक दी और खुद भीगा कपकपाता हुआ अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। शिफ्ट ने पजल की ओर देखा तक नहीं, वो तो बस उस चीज को खोल फैला थपथपा कर सूंघने में व्यस्त था। तभी उसकी आंखों में चालाकी भरी एक दुष्ट चमक आई और उसने कहा, यह शेर की चमड़ी है। ओ ए हाँ, पजल का मुंह खुला रह गया। मुझे हैरानी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ, शिफ्ट ने कहा। हैरानी की बात तो यह है कि शेर को किसने मारा होगा, पजल ने कहा। इसे जमीन में दफना देना चाहिए, इसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। ओफ वो, यह बोलने वाला शेर नहीं था, शिफ्ट बोला। तुम इस बात की चिंता ना करो, झरने के परे वेस्टर्न वाइल्ड्स के जंगलों में जानवर हमारी तरह बोलते नहीं। ये हो सकता है कि चमड़ी कैसे गूंगे जंगली शेर की हो। यही सच था, एक शिकारी ने कई महीने पहले वेस्टर्न वाइल्ड्स के जंगल में शेर को मारकर इसकी चमड़ी निकाली थी। फिर भी, शिफ्ट, बदल ने कहा, यदि चमड़ी किसी गूंगे जंगली शेर की भी है, तो क्या हमें इसे सही ढंग से दफनाना नहीं चाहिए? मेरा मतलब है, क्या सभी शेर दफनाया जाना पसंद नहीं करेंगे? अब युक्तियां मत निकालो पजल, शिफ्ट बोला। तुम्हें पता तो है तुम सोच विचार करने में इतने माहिर नहीं हो। इस चमड़ी से हम तुम्हारे लिए गर्म कोट बनाएंगे। ओह, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, पजल ने कहा। ऐसा लगेगा, मेरा मतलब है, दूसरे जानवर सोचेंगे कि वो यहाँ, मुझे यह नहीं लगना चाहिए। तुम क्या बक रहे हो, अपने आप को खुजाते हुए शिफ्ट ने पूछा। पजल ने कहा, मेरे विचार से यदि मेरे जैसा गधा शेर की खाल पहनकर घूमता फिरा, तो यह शेर महाराज की इज्जत के खिलाफ होगा, असलन की इज्जत के खिलाफ होगा। यह सुनकर शिफ्ट बोला, अब तुम बहस ना करो, तुम जैसा गधा इन सब बातों के बारे में क्या जानता है? तुम अपने लिए मुझे क्यों नहीं सोचने देते? तुम मेरे साथ उस तरह से पेश क्यों नहीं आते जैसा मैं तुम्हारे साथ आता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ कामों में मुझसे अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें पूल में जाने दिया। मुझे पता था कि तुम वह काम मुझसे बेहतर करोगे, पर जब मेरी बारी आती है और वह काम तुमसे अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं करने देते? क्या मुझे कभी भी कुछ नहीं करने दोगे? हर चीज में बराबरी होनी चाहिए। ओह हाँ, ठीक है, पजल बोला। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, शिफ्ट ने कहा। तुम नदी पर चिपिंग फोर्ड तक चहल कदमी करके आओ और देखो यदि वहां संतरे वे केले हैं। पर शिफ्ट, मैं थक गया हूँ, पजल ने विनती की। हाँ, पर तुम एकदम भीग भी तो गए हो, शिफ्ट बोला। तुम्हारे लिए तेज सैर करना अच्छा रहेगा, इससे तुम्हें गर्मी आएगी। चिपिंग फोर्ड में आज मंडी लगेगी। बस फिर क्या था, पजल तैयार हो गया। जैसे ही पजल गया, शिफ्ट कूदने फादने लगा। अब कभी दो पंजों पर, कभी चार पंजों पर कूदते कूदते वह अपने पेड़ पर जा चढ़ा। फिर डाल डाल पर झूलने लगा, कभी आवाजें निकालता, कभी दांत दिखाता, अपने छोटे से घर में घुस जाता। उसने सुई धागे और एक बड़ी सी कैंची ढूंढी। बोने ने उससे सिलना सिखाया था। धागे का एक मोटा सा गोला जो रस्सी की तरह लग रहा था, उसने अपने मुंह में डाला जैसे बड़ी सी टॉफी चूस रहा हो। सुई होठों में दबाए और कैंची बाएं पंजे में लिए वह पेड़ से नीचे उतर आया और कूदता फादता शेर की खाल तक पहुंच गया। उसने देखते ही देखते जांच लिया कि शेर की खाल पजल के लिए बहुत ही लंबी होगी और गला छोटा पड़ेगा, तो उसने पजल के लंबे गले के लिए एक लंबा कॉलर बनाने की सोची। उसने खाल से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा और फिर खाल की सिर काट कर अलग कर दिया। कॉलर को सिर व कंधों के बीच जोड़ दिया। खाल के दोनों सिरों में धागे डाल दिए ताकि पजल की छाती व पेट पर खाल को डालकर नीचे से बांधा जा सके। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई पक्षी ऊपर से उड़ता तो शिफ्ट अपना काम छोड़कर उत्सुकता से ऊपर देखने लगता। वह किसी को बताना नहीं चाहता था कि वह क्या कर रहा है, पर जिन पक्षियों ने उसे देखा उनमें से बोलने वाला पक्षी कोई भी नहीं था, इसलिए शिफ्ट के लिए चिंता की कोई बात नहीं थी। देर दोपहर में पजल वापस आया और धीरे धीरे आराम से चल रहा था, जैसे गधे चलते हैं। वहां संतरे नहीं थे, वह बोला।
ना ही केले थे, मैं बुरी तरह थक गया हूँ। यह कहकर वह लेट गया। आओ इस नए कोट को पहन के देखो, शिफ्ट ने कहा। ओह अब यह पहनना होगा, पजल बोला। मैं इसे सुबह ट्राई करूंगा, अभी तो मैं थक के चूर हो गया हूँ। पजल यह ठीक नहीं, शिफ्ट बोला। तुम थक गए हो तो क्या मैं नहीं थका? दिन भर जब तुम घाटी की ताजी हवा में टहल रहे थे, मैं मेहनत से तुम्हारे लिए कोट तैयार कर रहा था। मेरे हाथ इतने थक गए हैं कि मैं कैंची भी नहीं उठा सकता, और अब तुम मेरा शुक्रिया तक नहीं करोगे और इस कोट पर नजर तक नहीं डालोगे? तुम्हें परवाह भी नहीं? कोई बात नहीं मेरे प्यारे शिफ्ट, पजल ने एकदम से उठते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, कितना बुरा हूँ मैं। बेशक मुझसे बहुत अच्छा लगेगा यह कोट पहनकर, और यह बना भी बहुत खूबसूरत है। अभी पहनाओ मुझे, प्लीज पहनाओ ना। ठीक है, सीधे खड़े हो जाओ, शिफ्ट ने कहा। हाल उठाने में बड़ी भारी लग रही थी, पर अंत में खींच खींच कर धकेल कर फुला कर उसने पजल को पहना ही दे। पजल की टांगे से खाल की टांगे और पूंछ से पूंछ बांध दी। शेर के सिर के खुले हिस्से से पजल का सिलेटी रंग का नाक व मुंह दिखाई दे रहे थे। जिस किसी ने भी असली शेर देखा होगा वह इसे देखकर एक पल के लिए भी बेवकूफ या मूर्ख नहीं बनता, पर यदि किसी ने असली शेर नहीं देखा होगा तो पजल को शेर की खाल में देखकर असली शेर ही समझता। हाँ अगर वह पजल के बहुत नजदीक ना आता, वहां रोशनी भी कम होती, अगर पजल अपनी आवाज में ढेंचू ढेंचू ना बोलता तो। तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो पजल, यदि कोई तुम्हें अब देख ले तो वह तुम्हें महान शेर असलन ही समझेगा, शिफ्ट बोला। पर यह तो ठीक नहीं होगा, पजल डर कर बोला। शिफ्ट ने कहा, जरा सोचो, सब लोग वही करेंगे जो तुम उन्हें करने को कहोगे, पर मैं उन्हें कुछ नहीं कराना चाहता। शिफ्ट ने कहा, सोचो हम कितना अच्छा काम करेंगे, तुम्हारे पास सलाह देने के लिए मैं हूँ। मैं कुछ अच्छे आदेश सोच कर तुम्हें बताऊंगा जो तुम मांगे लोगों को दोगे, और हर कोई हमारी आज्ञा का पालन करेगा, यहाँ तक कि राजा खुद भी। हम नार्निया में सब ठीक कर देंगे, पजल ने पूछा। पर नार्निया में सब कुछ पहले से ही ठीक है, नहीं है क्या? क्या? शिफ्ट चिल्लाया, सब कुछ ठीक है? जब संतरे या केले ही नहीं है तो क्या खाक ठीक है? सही है, तुम्हें पता है, पजल ने कहा। ज्यादा लोग ये सब पसंद नहीं करते, वास्तव में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सिवाय कोई और है जो ये चीजें चाहता है। और चीनी भी तो नहीं है, शिफ्ट ने कहा। हाँ, पजल बोला, अच्छा होता यदि थोड़ी और चीनी होती तो। ठीक है, ये पक्का रहा, शिफ्ट बोला। तुम असलन के भेष में रहना, मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि क्या करना है। नहीं ना ना, पजल ने कहा, शिफ्ट यह गलत बात होगी। चाहे मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, पर मुझ में इतना तो मालूम है यदि असली असलान आ गया तो हमारा क्या होगा। शिफ्ट बोला, मेरे विचार से वो बहुत दूर खुश होगा। शायद उसने शेर की खाल किसी कारण से भेजी है ताकि हम यहाँ के हालात ठीक कर सकें। फिर भी वह कभी नहीं आता, आजकल वह आता ही नहीं। उसी पल उसके ऊपर बहुत जोर से गड़गड़ाहट सुनाई दी और जमीन कांपने लगी। शिफ्ट और पजल दोनों अपना संतुलन खो बैठे और मुंह के बल गिरे। देखो, उसने अपनी सांसें संभालते हुए पजल से बोला, यह चेतावनी का संकेत है। मैं जानता था कि हम कोई बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। मेरे शरीर से यह खाल अभी उतार दो, चालू, शिफ्ट बोला। ना ना, यह किसी और चीज का संकेत है। मैं कहने ही वाला था कि यदि असली असलान हमें यह सब उसी तरह करने रहने का संकेत देना चाहतेगा तो धरती कांप उठेगी। इससे पहले कि मैं कहता यह संकेत आ गया, पजल अब तुम्हें ये करना ही होगा। प्लीज चलो, अब हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो कि तुम ये बातें नहीं समझते। संकेतों के बारे में एक गधा क्या जाने,